तो जी, क्या हाल है आपका? खैरियत से? वो मैं आपकी पेमेंट के बारे में ही लगा हुआ ऐसे, तो दो दो हफ्तों में आपकी पेमेंट का बंदोबस्त हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। सही है जी, बिल्कुल मैं कोशिश करूँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक। क्या हो डैड, परेशान लग रहे हैं आप। कुछ नहीं बेटा, एक मसला है। तो बेटा, हमें अपना घर, हमारी जितनी जायदाद है, ये सब हमें उसके हवाले करनी पड़ेगी अगर हमने पेमेंट ना दी। और इसके लिए मुझे तुम्हारे सिग्नेचर्स की भी ज़रूरत है कि सिग्नेचर? कल को मैं अगर ज़िंदा ना रहा तो तुम ये पेमेंट उसे दोगे। सही है? सॉरी डैड, इस बात पे खफा नहीं होना, लेकिन मेरी अपनी भी लाइफ है। अभी मैं ऑलरेडी स्टडी कर रहा हूँ, मैंने अभी आगे CA करना है। मैं अपनी लाइफ आपके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी। नेट, मुझे आप बताए कहाँ करने सिग्नेचर, मैं कर दूँगा। मैं मान दो, मैं आपका सगा बेटा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बाप से बढ़कर मानता हूँ। लीजिए। बात सुनो, जी भाई, ये तुम्हें पापा ने कहा सिग्नेचर के लिए? जी कहा है मुझे? इनको मैंने कहा अभी ये काम स्टार्ट मत करो, लेकिन किसी की सुनते काम है, सिर्फ अपनी करते हैं। अभी देखो नुकसान बढ़ने कौन कौन जाएगा, हमें बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता हूँ। मैंने तो सिग्नेचर कर दिए। क्या तुमने सिग्नेचर कर दी? भाई, भले ही मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको बाप से बढ़कर मानता हूँ। क्या तुम्हें पता है, जब तुम बीमार थे, उन्होंने कितनी रातें जाग के गुजारी थी तुम्हारे लिए, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया तुम्हारे लिए। आज तुम इस जगह पे पहुँचो, तुम ये जो खड़े हो ना, खड़े अपने पाँव पे, ये उनकी बदौलत है, खड़े ना कि अपनी बदौलत, जो तुम गरूर कर रहे हो। ठीक है भाई?